अगर आप कार और बाइक से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखें आगे की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक 7-सीटर कार खरीदना चाहते हो और आपका बजट कम है तो आपके दिमाग में दो गाड़ियां तो जरूर आई होंगी, रेनो की ट्राइबर और मारुति सुजुकी इको। तो इस वीडियो में आपको कंपैरिजन करके मैं बताने वाला हूं कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहने वाली है और कहां पैसा लगाना आपके नीड के हिसाब से फ़ायदेमंद रहेगा, किसका इंजन ज़्यादा दमदार है, माइलेज किसका ज़्यादा है, चलाने में किसको ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे ही सारी छोटी छोटी बातें इस वीडियो में मैंने कवर करी हैं और काफ़ी आसान भाषा में कम समय में आप सारी बातें दोनों गाड़ियों के बारे में जान जाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इंजन से, दोनों गाड़ियों के इंजन की बात कर लेते हैं। पहले रेनो ट्राइबर के इंजन की बात करें तो वहां पे आपको मिलता है 1 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि है 3 सिलेंडर इनलाइन वाला। अब आप 3 सिलेंडर इनलाइन से ये मत समझना कि ये इंजन बहुत कम पावरफुल होगा, ये आपको 71 bhp की पावर सप्लाई यहाँ पे देता है, साथ ही में 96 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है। ये पावर लगभग इको के बराबर है। अगर इको के पावर की बात करें तो वहाँ पे आपको 1.2 लीटर का इंजन ऑफर किया जाता है जो कि 4 सिलेंडर इनलाइन वाला है। यहाँ पे आपको 72 bhp की पावर इको जनरेट करके देती है। इसका इंजन इतनी पावर आपको यहाँ पे देगा और 98 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है। तो 1 लीटर का इंजन अगर आपको रेनो की ट्राइबर में मिल रहा है तो उसको आप नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में वो इंजन भी आपको निराश नहीं करेगा। हाँ, वो अलग बात है, आपने अगर पहले 1 लीटर से कोई बड़े इंजन वाली गाड़ी रखी है, चलाई है, तब आपको कभी कभार वो इंजन थोड़ा सा पीछे लगेगा पावर के मामले में, बाकी ऐसी कोई भी वहाँ पे बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे इको के एक और फ़ायदे की बात करूँ तो आपको यहाँ पे CNG कंपनी फिटेड वाला मिल जाता है, अगर आप चाहें तो उसे भी खरीद सकते हैं, लेकिन CNG में आपको 68 bhp की पावर मिलती है। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के माइलेज की, कौन सी गाड़ी का माइलेज ज़्यादा बेहतर है सिटी में और हाईवे में। तो दोस्तों अगर रेनो की ट्राइबर की बात करें तो उसका कंपनी क्लेम करती है 19 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज पेट्रोल में, और डीजल में तो ये गाड़ी आती ही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर सिटी के एक्चुअल माइलेज की, रियल माइलेज की मैं बात करूँ तो ट्राइबर आपको 12 से लेकर 13 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के देती है सिटी के अंदर। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप कई बार अपने गियर्स को यहाँ पे डाउन शिफ्टिंग करते हो, यानी कि फर्स्ट और सेकंड गियर में आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है तो उस वजह से आपका एवरेज यहाँ पे कम होता है ज़्यादा गियर शिफ्टिंग करने की वजह से। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हाईवे की बात करें तो रेनो की ट्राइबर 16 से लेकर 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज काफ़ी आराम से निकाल लेती है। बाकी ये सारी चीज़ें आपकी ड्राइविंग स्किल्स पर भी डिपेंड करती हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं मारुति सुजुकी इको के माइलेज की, कंपनी क्लेम करती है 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इको में। अब इतना माइलेज मेरे हिसाब से तो ठीक है क्योंकि आपको यहाँ पे 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और ड्राइवर में मिलता है 1 लीटर का, तो 16 का माइलेज भी काफ़ी लोगों का अगर ये गाड़ी निकाल लेती है पेट्रोल में तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपको अगर CNG का माइलेज जानना है तो कंपनी बोलती है 30.47 किलोमीटर पर KG का माइलेज CNG में ये गाड़ी आपको निकाल के देगी। और अगर आपको जानना है कि एक्चुअल में इको का जो पेट्रोल और CNG का माइलेज कितना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप हमारे चैनल में जाके इको की वीडियो देख सकते हो और वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में जान सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों के ड्राइव क्वालिटी की, चलाने में कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर ड्राइवर की अगर बात करें दोस्तों ये मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगी। अब बेस्ट इसीलिए लगी इसकी ड्राइव क्वालिटी मेरे को क्योंकि यहाँ पे आपको इस गाड़ी की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है अगर हम इको से कंपेयर करते हैं तो। यहाँ पे आपको बॉडी रोल भी कम मिलता है, अगर आप अपनी गाड़ी को घाट्स वगैरह में, हिली एरियाज़ में चलाते हो तो यहाँ पे इसकी हाइट कम है जिस वजह से आपको बॉडी रोल भी कम देखने को मिलता है रेनो की ड्राइवर में। वहीं पर दोस्तों अगर हम हैंडलिंग की बात करें तो वो भी आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है रेनो की ड्राइवर में, क्योंकि आपको यहाँ पे पावर स्टीयरिंग मिलता है जो कि आपको इको में किसी भी वेरिएंट में ऑफर नहीं करा जाता। और कभी आप जब शार्प टर्न लेते हो कॉर्नरिंग के वक्त भी आपको ड्राइवर ज़्यादा अच्छी लगेगी। वहीं पे दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो कि इको से ज़्यादा है। अब बात करें यहाँ पर मारुति सुजुकी इको के ड्राइव क्वालिटी की, वैसे बुरी तो इसकी भी नहीं है ड्राइव क्वालिटी, बस यहाँ पे मैंने ये बताया कि ड्राइवर की ज़्यादा बेहतर लगी मेरे को ड्राइव क्वालिटी,
लेकिन अगर यहाँ पे हम इको की बात करें तो ये भी कहीं कम नहीं है। आपने देखा होगा काफ़ी जगह कॉमर्शियल यूज़ में ये गाड़ी इस्तेमाल करी जाती है, फैमिली के लिए भी करी जाती है, कैंपिंग भी करते हैं लोग इस गाड़ी को ले जाके। यहाँ पे ये गाड़ी काफ़ी कैपेबल है, चाहे ख़राब रास्ते हो या अच्छे रास्ते हो। ये गाड़ी में आपको रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो ये गाड़ी भी बुरी नहीं है कहीं ना कहीं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ड्राइव क्वालिटी चाहिए तो आप रेनो की ट्राइबर की तरफ जाएं। बाकी दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों में से रीसेल वैल्यू किसकी ज़्यादा है और ऐसा क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पे जाहिर सी बात है, मारुति सुजुकी इको की अपनी एक अलग मार्केट वैल्यू है, काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है इसका। यहाँ पे अगर आप इको को ख़रीदते हो तो आप बेफिक्र हो जाओ रीसेल वैल्यू के मामले में, क्योंकि ये गाड़ी की रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है रेनो की ड्राइवर के मुताबिक। और रेनो की ड्राइवर अभी उतनी ज़्यादा सेकेंड हैंड मार्केट में मैंने तो देखी नहीं है। हालांकि लोगों ने ख़रीद ली होगी सेकेंड हैंड भी ये गाड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा रीसेल वैल्यू चाहिए। जिन लोगों को जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी बदलनी होती है, 3-4 साल में लोग चेंज कर देते हैं, तो उनके लिए इको एक बेस्ट ऑप्शन है। वहीं पे जो ड्राइवर है उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा टूट जाएगी। यहाँ पे अगर दोस्तों अगली बात करें मेंटेनेंस की, दोनों ही गाड़ियों में से किसकी मेंटेनेंस ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे दोस्तों इको के मेंटेनेंस की बात करें, खर्चे की बात करें, क्या दिक्कत है उसमें, तो आप हमारी वीडियो जाके देख सकते हो जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल रहा होगा, या आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के बाद उस लिंक के थ्रू जा सकते हो जहाँ पे आप इसके ओनर्स के रिव्यू पढ़ सकते हो। जिनके पास इको है वो आपको बिल्कुल रियलिटी बताएंगे कि इसमें क्या दिक्कत है, कितनी अच्छी ये गाड़ी है। क्योंकि मैंने तो इको सिर्फ चलाई है, लेकिन उन लोगों ने इको अपने पास रखी है कुछ साल, और वो आपको यहाँ पे मेरे से ज़्यादा बतावाएंगे बेहतर। तो आप जाएं मेरी वीडियो देखें, वहाँ पे कमेंट में आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पे हम रेनो के ड्राइवर की बात करें तो इसमें भी आपको ऐसी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बजट कार बनाई है और उन लोगों के लिए बनाई है कंपनी ने जो इस गाड़ी को कम पैसों में अफोर्ड कर सकें और एक 7 सीटर कार के मज़े ले सकें। तो यहाँ पे इस गाड़ी में भी खर्चे कम हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप रेनो ड्राइवर को तभी ख़रीदना जब आपके सिटी में यानी कि आपके शहर में इसका सर्विस स्टेशन है, या आपके शहर के काफ़ी पास इसका सर्विस स्टेशन है। वरना आपकी गाड़ी में कभी भी कोई मेजर फॉल्ट आता है या टूट फूट होती है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, अपनी गाड़ी को दूसरे शहर ले जाना पड़ेगा, यानी कि दूर ले जाना पड़ेगा, और वहाँ से इस गाड़ी को छोड़ने लाने में आपका काफ़ी टाइम जाएगा। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं हम फीचर्स की, सिर्फ उन फीचर्स की जो आपको रेनो की ड्राइवर में मिलते हैं और इको में इनका नामो निशान तक नहीं है। पहला फीचर दोस्तों जो आपको रेनो की ड्राइवर में मिलता है वो है पावर स्टेयरिंग। पावर स्टेयरिंग आपको इको में नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आपको नेसेसरली मिलनी चाहिए थी। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ड्राइवर में मिल जाता है, कीलेस पुश स्टार्ट बटन का ऑप्शन मिल जाता है, हालांकि थोड़ी महंगी पड़ जाती है, लेकिन हाँ आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं। तो आपको यहाँ पे स्टेयरिंग टिल्ट एडजस्ट वाला ऑप्शन भी मिलता है, 3 पावर आउटलेट मिल जाते हैं ड्राइवर में, इको में आपको सिर्फ एक मिलता है। बाकी दोस्तों आपको वो 4 पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है रेनो की ड्राइवर में, इको में आपको 2 पावर विंडो तो एटलीस्ट देने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे आपको एक भी पावर विंडो का ऑप्शन नहीं मिलता। ORVM मिरर आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल वाले मिल जाते हैं ड्राइवर में, और इको में आपको शीशे को डाउन करके बाहर हाथ डाल के एडजस्ट करना पड़ेगा एक्सटर्नली। यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर मिल जाता है ड्राइवर में, और साथ ही में डोर पॉकेट्स का ऑप्शन मिल जाता है आपको ड्राइवर में, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का ऑप्शन मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट में, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला जिसमें आपको इनबिल्ट GPS का भी ऑप्शन मिल जाता है, और वहीं पे आपको रेनो की ड्राइवर में रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, और आपको इको में सिर्फ फ्रंट एसी मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको सेफ्टी में भी इको में एक एयरबैग मिलता है, लेकिन रेनो की ड्राइवर में आपको 4 एयरबैग ऑफर करे जाते हैं, जो कि इस कीमत में थोड़ी अच्छी चीज़ लगती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन मिल जाता है ड्राइवर में, जो कि आपको इको में नहीं मिलता। AMT ट्रांसमिशन जिन लोगों को मैनुअल गाड़ी नहीं खरीदनी है, ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदनी है, उन लोगों के लिए यहाँ पे रेनो ने AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया है। इको में तो आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही लेना पड़ेगा। बाकी दोस्तों एक फीचर जो मिसिंग है दोनों ही गाड़ियों में वो है सीट हाइट एडजस्ट वाला अप एंड डाउन, जिससे आप अपनी ड्राइवर सीट को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते थे। और अब हम अगली बात करते हैं कंफर्ट लेवल की दोनों गाड़ियों की। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं रेनो ड्राइवर के कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो इसकी जो फ्रंट सीट है वो मेरे को काफ़ी पसंद आई इस बजट में। आपको यहाँ पे फ्रंट सीट में काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग मिल जाती है, अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक मिल जाता है,
हालांकि वो अलग बात है कि अगर आप कंपेयर करोगे मारुति सुजुकी आर्टिका से तो उतना कंफर्ट लेवल तो आपको हाई नहीं मिलता, लेकिन हाँ ठीक ठाक आपको कंफर्ट लेवल मिल जाता है। रियर सीट की बात करें तो वहाँ पे तीन लोग काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं, लेगरूम भी अच्छा खासा मिल जाता है। लास्ट रो में दो बच्चे काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं और अडल्ट को थोड़ी सी दिक्कत वहाँ पे हो सकती है। बाकी अगर इको की बात करें तो काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा कि मैं इको की यहाँ पे बुराई कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि आपको ट्राइवर में ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं अगर आप इको की कंपेयर करते हो तो। बाकी यहाँ पे ऐसी इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको पसंद है तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं कम्फर्ट के मामले में। अब बात करते हैं दोस्तों स्पेस की, कौन सी गाड़ी ज़्यादा स्पेशियस है, कैसे पर्पज़ के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर रेनो के ड्राइवर की बात करें तो आप अगर फैमिली के साथ अपनी गाड़ी में कभी घूमने जाते हो, फैमिली पर्पज़ के लिए एक कार खरीद रहे हो, तो रेनो ड्राइवर आपके लिए एक बेस्ट गाड़ी है, क्योंकि यहाँ पे आपको फीचर ज़्यादा ऑफर करे जाते हैं, स्पेस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और सेवन सीटर ये कार है, लेकिन थर्ड रो खोलने के बाद आपको लगेज रखने की स्पेस यहाँ पे नहीं मिलती। हालांकि ऊपर रूफ रेल्स में आप सामान बांध सकते हो अगर रिस्क लेना है, लेकिन अगर आपकी फैमिली में सिर्फ 6 लोग हैं तो आप पीछे की एक सीट को फोल्ड करके वहाँ पे और लगेज बड़े आराम से रख सकते हो। वहीं पे अगर दोस्तों इको की बात करें तो यहाँ पे आपको फैमिली के साथ भी ये गाड़ी आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी लोग इस गाड़ी से ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, कैंपिंग भी करते हैं, और ये बोलूँ तो आपको इको में ज़्यादा स्पेस मिलता है। और अगर आपको कमर्शियल यूज़ के लिए अपनी एक गाड़ी ख़रीदनी है जिसमें काफ़ी आराम से आप बहुत ज़्यादा सामान भर सको, तो आपके लिए इको के अलावा कोई और बेस्ट ऑप्शन तो नहीं है इस बजट में, इस प्राइस रेंज में। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं हम प्राइस रेंज की दोनों गाड़ियों की। यहाँ पे अगर ड्राइवर की प्राइस की बात करूँ तो 6-8 लाख रुपए में आपको ये गाड़ी मिल जाती है ऑन रोड लगभग। वहीं पे अगर इको की बात करें तो इसकी कीमत कम है, 4,60,000 रुपीज़ से लेके 6 लाख रुपीज़ में ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिल जाती है, और आपको टॉप एंड में CNG वेरिएंट भी यहाँ पे मिल जाता है। बाकी दोस्तों कीमत यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों की बेस्ट है अपने हिसाब से। आपको ड्राइवर की कीमत इसीलिए ज़्यादा मिलती है क्योंकि यहाँ पे आपको फीचर्स और काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम बात करें कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। वैसे तो मैंने हर पॉइंट में थोड़ा थोड़ा आपको समझा दिया है, लेकिन अगर आप फैमिली के लिए एक बेस्ट कार खरीदना चाहते हो, फैमिली ट्रैवल के लिए घूमने फिरने के लिए, तो दोनों ही गाड़ियां मैं बोलूँगा यहाँ पे बेस्ट हैं। ड्राइवर आप खरीद सकते हो, वहीं पे आप चाहो तो इको भी खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपको कमर्शियल यूज़ के लिए गाड़ी खरीदनी है तो इको के अलावा यहाँ पे इस कीमत में कोई और बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर आप बजट थोड़ा और इंक्रीज़ कर सकते हो तो दोस्तों मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप ड्राइवर की तरफ जाएँ, जहाँ पर आपको एयरबैग भी ज़्यादा मिलते हैं, फ़ीचर्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं, जो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट और थोड़ा प्रीमियम रहेगा इको से अगर कंपेयर करें तो। बाकी दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको जुपिल्स में मिलती रहेंगी। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और एक थम्सअप तो बनता ही है। और अगर आपके फ्रेंड या फैमिली में कोई भी एक ऐसी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहा है जो कि 7 सीटर हो और कम कीमत में ज़्यादा वैल्यू ऑफर करे, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो में मैंने किसी भी गाड़ी की वैसे बुराई नहीं करी है दोस्तों, बस आपको ये बताया है कि इन दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, और आप अपने हिसाब से अब सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। बाकी आपके कोई भी सवाल हैं तो कॉमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हो।